हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर के आया हूँ टॉपोलॉजी ऑफ रियल नंबर में। इसमें मैं आपके लिए आज कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन बता रहा हूँ, इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट। तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट को देखें किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट क्या है, तो देखें यहां पर मैं आपके लिए डिफाइन करने जा रहा हूं आ पॉइंट पी जो बिलोंग कर रहा है आर में। मतलब पी क्या है, एक रियल नंबर है। या पॉइंट पी बिलोंग टू आर इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट एस, एस सेट का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। ये एस सेट क्या है, सबसेट है आर का। If S is neighborhood of P, तो S क्या होना चाहिए, अगर P का neighborhood है तो हमारे पास में ये क्या कहलाएगा, P जो है वो S का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा, इस सेट एस का। तो इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, डेट इज, मैं इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूं, अ पॉइंट पी जो बिलोंग कर रहा है आर में इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस जो सबसेट है आर का, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई, इस ओपन इंटरवल को आई कह दिया, सच डैट, किस प्रकार से, ये आई जो है वो सबसेट होना चाहिए एस का, और इस आई में जो है वो पी बिलोंग करना चाहिए। जब आई में पी बिलोंग कर रहा है और आई सबसेट है एस का, तो पी एस में भी बिलोंग करेगा। तो देखें मैंने कह दिया स्टूडेंट्स, ये पी है, ये सेट आई है और ये सेट एक एस है। तो क्या है, तो देखें ये आई है, ये एस है, तो आई सेट जो है वो क्या है, एक ओपन इंटरवल है। तो हमारे पास में, और ये आई सेट स्टूडेंट्स पता है किससे बना हुआ है, आई सेट इक्वल टू है, ऐसे करके बोल सकते हैं, आई सेट बना हुआ है हमारे पास में P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन से बने हुए ओपन इंटरवल से। तो हमने, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, एक रियल नंबर है विच इज ग्रेटर देन जीरो। तो मैंने यहाँ आपको बहुत अच्छा समझना है, तो आप कहाँ चले जाइएगा, नेबरहुड की डेफिनेशंस, मैंने जो दो डेफिनेशंस दी हैं उनको देखिएगा, और उसको देखने के बाद मैं समझता हूँ ये क्या होगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेबरहुड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, देखिए इंटीरियर ऑफ अ सेट, इंटीरियर ऑफ अ सेट। तो इंटीरियर ऑफ अ सेट
हमारे पास में क्या होगा? एसेट ऑफ ऑल, एसेट ऑफ ऑल, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट एस, जो सबसेट है आर का, आर क्या है, रियल नंबर का सेट का। तो इस एस, ये एस के सारे इंटीरियर पॉइंट का एक सेट लें तो डेट सेट विल बी कॉल्ड इंटीरियर ऑफ अ सेट। तो अ सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट एस इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ सेट एस। एस का क्या हो गया, इंटीरियर हो गया। तो देखें विच इज कौन, अस इंटीरियर ऑफ अ सेट, इंटीरियर ऑफ अ सेट एस, एस सेट ले लिया मैंने, इज डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई एस नॉट और एस आई करके भी क्या करा जाता है, डिनोट किया जाता है। अगर यही सेट स्टूडेंट्स ए होता, ए के सारे जो है वो इंटीरियर पॉइंट्स का एक सेट मैं बनाता, तो ए के सारे, एक पॉइंट के सारे इंटीरियर पॉइंट्स का सेट बनाता, तो मैं उसके लिए उस सेट को कैसे डिनोट करता, ए नॉट से और ए आई से डिनोट करता। तो ये क्या हो गया, इंटीरियर ऑफ ए सेट को डिफाइन कर दिया गया। अब मैं आपके लिए क्या डिफाइन करने जा रहा हूँ, ओपन सेट डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ओपन सेट क्या होता है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं ये स्टूडेंट्स, बड़ी बहुत ही काम की है। तो देखें ओपन सेट, ओपन सेट, तो देखें ओपन सेट क्या होता है, आ सेट एस ले लिया, एक सेट एस ले लिया जो सबसेट है आ, एक ओपन सेट लिया, एन ओपन सेट एस जो सबसेट है आर का, इज ओपन, ये ओपन कहलाएगा या ओपन सेट कहलाएगा इफ इफ एस इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। मतलब क्या हुआ, इस एस के अंदर सपोज करो मैंने एस कह दिया, ये है ये कह दिया, ये ओपन इंटरवल है एक, मैंने ये कह दिया, तो इसके अंदर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स का ये नेबरहुड होना चाहिए। तो मैंने इससे पिछली जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने शो किया कि एक ओपन इंटरवल, ये एक ओपन इंटरवल है स्टूडेंट्स, ओपन इंटरवल अपने सारे पॉइंट्स का क्या होता है, नेबरहुड होता है, अपने अंदर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स का क्या होता है, नेबरहुड। इस ओपन इंटरवल में स्टूडेंट्स थ्री और फाइव इंक्लूड नहीं होंगे, थ्री और फाइव से, ये थ्री है ये फाइव है, थ्री और फाइव इंक्लूड नहीं होगा, बाकी अंदर के सारे इन्फिनेटली मैनी जो हैं वो रियल नंबर्स इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये मैंने इस वीडियो से पिछली वीडियो में क्या कर दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया है। तो देखें मैंने आपको ओपन सेट को डिफाइन कर दिया। अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स जिनको आवश्यकता है फ़ायदा उठा सकें मेरी वीडियोज़ का, और स्टूडेंट्स
अगर मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे लिए और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।